नमस्कार सत श्रीकाल खामागढ़ी दोस्तों, आपका हमारे चैनल होने जर्नी प्लान्स में स्वागत है। आज हम आपको अम्रपाली म्यूजियम का फुल टूर कराएंगे। इसको 2018 में इस्टेब्लिश किया गया था। अम्रपाली म्यूजियम भारतीय आभूषणों और गहनों से बनी वस्तुओं को समर्पित है। इसके संस्थापक हैं राजीव अरोड़ा और राजेश अरोड़ा, जो कि अम्रपाली ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के भी संस्थापक हैं। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आप इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। जैसे गेट से एंट्री करेंगे तो वहाँ पे आप चांदी का रथ देखेंगे। जो चांदी का रथ है उसको गुजरात राज्य के एक छोटे से गांव में पाया गया था, जो कि जुलूस के लिए बनाया गया था। पान के पत्ते का पात्र, लाला हार बनारस का। फिर तो उसके बाद इंक पॉट देखेंगे, मछली के मुँह में महिला की आकृति, आर्मलेट, कान की बाली, लिंगम हार, मकर ब्रेसलेट, नव गुजर बेल्ट, पक्षुआ पायल, सोने की चोटी, ब्राह्मण की कुप्पी। और जब हम अंडरग्राउंड फ्लोर में जाएंगे वहाँ पे कृष्ण जी का झूला रखा हुआ है, जो कि जोधपुर के पास फतेहपुर में मिला था। लकड़ी के ऊपर पूरे गोल्ड की परत चढ़ाई गई हुई है। पीठ खुजाऊ यंत्र, राजदंड, आम और मछली के आकार के सामान, तामचीनी सुपारी पात्र, जेट बुक स्टैंड, चौपारे, बच्चों की जैकेट और कैप। मेरी बस आपसे एक यही रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप जयपुर आ रहे हैं तो अगर आपको सोने की चीज़ें और चांदी की चीज़ों को देखने का बहुत शौक है तो आप यहाँ पर आकर चांदी की चीज़ें देख सकते हैं, सोने की चीज़ें देख सकते हैं और परचेज़ भी कर सकते हैं। इनका एक प्राइवेट लिमिटेड का ज्वेलर्स है जिसका नाम अम्रपाली ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड है, फर्स्ट फ्लोर में, वहाँ पर आप परचेज़ भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल और जर्नी प्लान्स को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जयपुर ट्यून्स की आगे की नई वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसमें क्लिक करिए और नई वीडियोस देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।